नमस्कार न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपके संग प्रद्युम्न शर्मा नजर डालते हैं अपने उत्तराखंड में में विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी की है विपक्ष ने सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा है दिन भर हंगामा चला दो बार सदन की कार्रवाई स्थगित भी हुई है बाद में सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है सरकार ने राजभवन से लौटे दो विधेयकों सहित छह विधेयक पर पारित कराए हैं सरकार ने सत्र के आखिरी दिन के लिए भी बिजनेस तय किया है कार्य मंत्रणा की बैठक तय हुई है कि बृहस्पतिवार को असरकारी कार्य होगा और प्रस्तावों पर चर्चा होगी प्रश्नकाल नहीं होगा हरिद्वार की एक कॉलोनी में मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है और उसके बाद हत्या भी कर दी गई है फिलहाल अब इलाके में किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला एक और सामने आ गया है पीड़िता के पेट में दर्द होने पर जब उसकी जांच करवाई गई तो वो गर्भवती होने की बात सामने आई है पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया है नगर कोतवाली पुलिस के मुताबिक करीब तीन महीने पहले पड़ोसी युवक ने पंद्रह साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया इसके बाद डरा धमका कई बार से हवस का शिकार भी बनाता रहा है जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है उसको गिरफ्तार कर लिया गया आगे की कार्रवाई की जा रही है कोरोना काल के चलते इस साल क्रिसमस पर होने वाले कार्यक्रमों में भी बदलाव किया गया है जिसके चलते 24 दिसंबर यानी आज आधी रात को शहर भर के चर्चों में होने वाली विशेष आराधना शाम को ही कर ली जाएगी करीब दो घंटे तक होने वाली आराधना के लिए शहर के चर्चों को आकर्षक रूप से सजाया भी गया है अगले दिन यानी पच्चीस दिसंबर की सुबह प्रार्थना सभा के बाद चर्च को बंद कर दिया जाएगा इस बार शहर के पाँच चर्चों को अलग अलग समय पर खोलने का फैसला भी लिया गया हल्द्वानी के गौला क्षेत्र में रहसमायी ढंग से झोपड़ियों में आग लग गई है देखते ही देखते करीब एक दर्जन झोपड़ियां आग में जल गई हैं जिसके बाद इलाके में अफरातफरी मच गई है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है फिलहाल पुलिस के अनुसार कोई जनहानि अभी तक नहीं हुई है मसूरी में शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता करते हुए मसूरी में की जा रही सप्ताह की बंदी का विरोध किया है उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार द्वारा हफ्ते में एक ही दिन कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए काम किया जा रहा है उन्होंने कहा है कि सप्ताह की बंदी से मसूरी के पर्यटन पर काफी प्रभाव पड़ रहा है वह जिलाधिकारी द्वारा नए साल और क्रिसमस के पर्व पर किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम न आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है जिससे मसूरी के नए साल में आने वाले पर्यटकों द्वारा की गई कैंसिल होने लग गई है उन्होंने जिलाधिकारी द्वारा लगाए गए रोक को हटाने की मांग भी की राजधानी और आसपास के इलाकों में धूप खिली रहने से लोगों को दिन में ठंड से कुछ राहत तो मिल गई है मंगलवार को धूप से दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई है और ठंड में कमी भी आई है हालांकि सुबह और शाम के मौसम पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा है और कड़ाके की ठंड लगातार जारी है पिछले कई दिनों से बादल छाए रहने के चलते दून में ठंड काफ़ी अधिक बढ़ गई है हालांकि मौसम में बदलाव हुआ है कई दिनों बाद सुबह के समय कोहरा और बादल नहीं छाए रहे हैं इससे धूप जल्दी निकल आई है दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ में श्रद्धालुओं को हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में आस्था की डुबकी लगाने के लिए भरपूर जल मिलेगा जी हाँ टीएचडीसी ने यूपी सिंचाई विभाग की मांग के अनुसार कुंभ मेले के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने की तैयारी को अंतरिम रूप भी दे दिया है टीएचडीसी का दावा है कि टहरी झील में कुंभ मेले के दौरान देव से लेकर हरिद्वार तक सभी गंगा घाटों के लबालब भरने के लिए पर्याप्त पानी है उत्तराखंड सरकार की ओर से आंदोलनकारी सम्मान परिषद की गठन न करने से गुस्साए आंदोलनकारियों ने विधानसभा सत्र के तीसरे दिन विधानसभा कूच किया चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति के केंद्र प्रवक्ता महेश जोशी ने कहा है कि इस साल स्थापना दिवस के मौके पर भी सरकार की ओर से आंदोलनकारियों के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है जोशी ने कहा है कि इससे आंदोलनकारी आक्रोशित हुए हैं आंदोलनकारी नेहरू कॉलोनी स्थित शहीद रविन्द्र रावत के शहीद स्थल पर एकत्रित भी हुए हैं शहीद स्थल से आंदोलनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा कूच के लिए आगे बढ़ गए देश में कोरोना के बढ़ते मामले राज्य सरकार के लिए मुसीबत लगातार बने हुए हैं राज्य भर में सर्दियों में कोविड-19 के चलते केसों में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है चिंता की बात तो ये है कि राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा पिछयासी हजार के पार पहुंच गया है जबकि मरने वालों का कुल आंकड़ा एक हो गया है लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए और कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने गंगोली हाट में 48 घंटे के लिए पूर्ण बंदी का फैसला लिया है जिले में कुल मरीजों की संख्या दो है उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग ने शासन के सामने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्षेत्र को बंद रखने का प्रस्ताव रखा था इसके बाद नगर पंचायत को 23 से 24 दिसंबर तक बंद रखने के आदेश भी जारी किए रुद्रपुर में रेलवे स्टेशन मार्ग पर कलेक्शन करने वाले युवक से तमंचे के बल पर बाइक सवार बदमाशों ने पांच लाख पैंतीस हजार रूपये की नकदी लूट ली है सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया और एसपी और सीओ पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे हैं जो घटना की जानकारी लेने के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर सीसीटीवी फुटेज खंगालने का जो काम है वो शुरू कर दिया है और साफ तौर तो पर इस बात का जिक्र किया है कि जल्द से जल्द बदमाश गिरफ्तार कर लिए जाएंगे जानकारी के अनुसार एक प्राइवेट कलेक्शन कंपनी में काम करने वाले युवक सचिन शर्मा बाइक से कलेक्शन कर रेलवे स्टेशन से लौट रहा था कि अचानक काले रंग की बाइक पर सवार तीन युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया बाइक सवार बदमाशों ने तमंचा निकालकर कैशबैक छीनने का प्रयास किया है और वो इसमें सफल भी हो गए देहरादून में डीजीपी अशोक कुमार ने एस को हर साल कम से कम 50 इनामी बदमाश को पकड़ने का लक्ष्य दे दिया है अभी तक एस का औसत केवल 10 से 12 बदमाश प्रति वर्ष का था इसके साथ ही एस अब पांच हजार रूपये के इनामी बदमाश को भी पकड़ सकेगी सीमा दस हजार रूपये से शुरू होती थी मंगलवार को डीजीपी अशोक कुमार एस और साइबर थाना का निरीक्षण करने पहुंचे थे उन्होंने कहा कि एस के पास पर्याप्त संसाधन है इसके माध्यम से एस ठीक कार्य भी कर रही है डीजीपी ने कहा कि बदमाशों को पकड़ने के बाद उनकी संपत्तियों को अटैच करने जैसी कार्रवाई भी की जाएगी साथ ही वर्तमान में जो गैंग सक्रिय है उसे रजिस्टर्ड किया जाएगा ताकि उन पर लगातार नजर बनाई रखी जा सके फिलहाल उत्तराखंड में सिर्फ इतना ही बने रही हमारे साथ नमस्कार